जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस मैथ मंत्री परिवार में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीएड एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम डेट है 2023 के लिए 24 अप्रैल को निर्धारित किया गया है, और आपको तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम आपको निःशुल्क पीडीएफ देंगे। और इस वीडियो के माध्यम से, जो इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इसका भी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और पीडीएफ नोट्स मिलेगा फ्री में, और पूरी तैयारी की जानकारी ए टू जेड दी जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, या जो मुझे जानते हैं वो तो जानते ही हैं कि मेरा टीडी कॉलेज बलिया में एडमिशन है, जो कि मात्र 6,000 फीस लगा है वहाँ पे। तो आप लोगों को अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आपका 50,000 रुपये बचत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा देर तक टाइम पास ना करते हुए पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि बीए करने वालों के लिए जीके के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि बीए में जो सिलेबस है उनका 8 वाला वो हो जाएगा, और उसके बाद और जो हो जाएगा सामान्य ज्ञान का होता है। ठीक, इस तरह से जो टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे बीए करने वालों के लिए। तो जीके के लिए 100 क्वेश्चन मतलब आधा आधी। ठीक, तो रामबाड़ है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्लाइड पे क्वेश्चन के साथ आते हैं, और आपके तैयारी में चार चांद लगा रहे हैं। आप भी अगर अच्छे मन से बैठे हुए पढ़ाई करने के लिए तो कॉपी पेन ले लीजिए, लिखते रहिए, इसमें आपको अमृत जैसा फ़ायदा करेगा। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, कहीं किसी कारणवश व्यस्त हैं, तो आप इसको 2-3 बार सुन सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन पहला ही है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए, गुलाम वंश यहाँ नहीं है, यहाँ पर है तुगलक वंश, क्योंकि सारे ऑप्शन तुगलक वंश के दिए गए हैं। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन सा वंश? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था आपको बताना है। मोहम्मद तुगलक की मोहम्मद बिन तुगलक की नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक जो है तुगलक वंश का अंतिम शासक था। और संस्थापक कौन था? तो संस्थापक था गियासुद्दीन तुगलक। ठीक, अब मोहम्मद नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक का जो है शासनकाल कब से कब तक चला था? तो 1314 से लेकर 1412 तक इनका शासनकाल चला था। ठीक, ये पूछ लिया जाता है कि नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह का शासनकाल कब तक चला था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने, माउंटबेटन ने, हेस्टिंग ने, कि जिन्ना ने? देखिए, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर जो है, द्वितीय गोल में सम्मेलन हुआ था, जब द्वितीय गोल में सम्मेलन कब से कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1931 के बीच में हुआ था, जिसमें गांधी जी गए थे और कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व करने गए थे। ठीक, तो उसी में जो है विंस्टन चर्चिल ने इनको अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक, गांधी जी को। ठीक, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं पूर्ण तैयारी कराने के लिए इसमें जिम्मेवार हूँ, और कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई पेड कोर्स की लेने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रही वीडियो मन तक। ठीक, किस आयोग ने केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों का अध्ययन किया है? किस आयोग ने? सरकारी आयोग, किस ठक्कर आयोग, किस आयोग, किस संसद? देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी आयोग। अब इसके बारे में पूरा विस्तृत से जानते हैं कि सरकारी आयोग के बारे में। ठीक, सरकारी आयोग का गठन न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में 1983 में की गई। कब की गई? 1983 में न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया के अध्यक्षता में 1983 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। ठीक, इस आयोग ने केंद्र तथा राज्य संबंधों के परिप्रेक्ष्य अपनी महत्वपूर्ण प्रस्तुतियाँ रखी थी। कब रखी थी? तो 1987 में रखी। कब रखी? जब आयोग का गठित किया गया तो अपना जो है रिपोर्ट पेश की 1987 में, जिसके हिसाब से केंद्र राज्य संबंध को आप लोग अध्ययन किया गया था इसके माध्यम से। ठीक, चलिए, संघ सरकार की वास्तविक शक्ति का उपयोग कौन करता है? राष्ट्रपति करता है कि प्रधानमंत्री करता है, मंत्रिमंडल की संसद करता है? दोस्तों, इसका वास्तविक उपयोग जो होता है मंत्रिमंडल करता है, और मंत्रिमंडल का प्रधान होता है जो, उसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक, संघ सरकार की जो है कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक उपयोग मंत्रिमंडल करता है, लेकिन मंत्रिमंडल का जो है प्रधानमंत्री कहलाता है। तो लेकिन यदि राष्ट्रपति भारत की संसदात्मक व्यवस्था में जो है एकदम दिखावा की तरह है, मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति का राष्ट्रपति में ही निहित होती है राष्ट्रपति में, लेकिन उसका उपयोग करता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो उसको डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं प्रधानमंत्री प्रयोग करता है, लेकिन जब तक ऑप्शन में दिया है मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल को मारेगा नहीं दिएगा तो प्रधानमंत्री, तब नहीं दिएगा तो राष्ट्रपति मारेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है?
प्रधानमंत्री होता है। अब योजना को जो है 1 जनवरी 2015 से ख़त्म करके क्या बना दिया गया, नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 से ख़त्म करके नीति आयोग को लागू कर दिया गया। ठीक, योजना आयोग को कब लागू किया गया था, तो योजना आयोग को 15 मार्च 1950 को लागू किया गया था। कब? 15 मार्च 1950 को। कब लागू किया गया था योजना आयोग को, तो 15 मार्च 1950 को लागू किया गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। किस राज्य में सबसे पहली पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई, तो ये की थी राजस्थान के नागौर ज़िले से। राजस्थान के नागौर ज़िले से कब की गई थी, 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी। कब की गई थी, 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी। और 2 अक्टूबर को ही क्यों की गई थी, क्योंकि गांधी जी का मतलब सपना था कि गांव ही गांव का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक, तो गांधी जी का जयंती है 2 अक्टूबर को, इसलिए उन्हीं के नाम पे, उनके जन्मदिवस पे 2 अक्टूबर को शुरू की गई। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं कि संविधान सभा के लिए चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के लिए चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो वे थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी जो थे अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक, और उसके बाद जो हैं, और प्रथम सच्चिदानंद सिन्हा को क्या चुना गया था, ये बताइएगा। अस्थाई, ये अस्थाई है। अस्थाई जो पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा बोल सकते हैं। ठीक, अब प्रारूप समिति का पूछेगा तो भीमराव अम्बेडकर को, प्रारूप समिति का पूछेगा तो भीमराव अम्बेडकर को कह सकते हैं। प्रारूप समिति पूछे तो भीमराव अम्बेडकर का, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नौकरियों और गवर्नमेंट संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग को आरक्षण किस आर्टिकल के अनुसार दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। देखिए, अनुच्छेद 16 के तहत प्रदान किया गया है आरक्षण जो OBC SC ST को मिलता है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, इसमें छुआछूत का अंत है, छुआछूत का अंत है अनुच्छेद 17 में। ठीक, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, और अनुच्छेद 19 में बताइए कमेंट करके इसमें क्या है। ठीक, तो इसको आप 2-3 बार सुन लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पृथ्वी तक पहुँचने में सूर्य का तापमान, अरे सूर्य का प्रकाश कितना समय लेता है, तो पृथ्वी तक पहुँचने में सूर्य का प्रकाश को जो है 8 मिनट। ठीक, 8 मिनट 12 सेकंड लगता है, लेकिन 8 मिनट दिया है ऑप्शन में, तो 8 मिनट ही मारेंगे। ये छोटा सा पूछ लिया जाता है। और पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो 14 लाख। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर है। 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर है। क्या है, 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सांप के जहरीले विषदंत किसके रूपांतरित रूप है, तो देखिए जंभीका दंत के जो रूपांतरित रूप है, जंभीका दंत में जानते हैं तालू, ऊपरी वाली तालू में जो होता है वो विषैल, उसमें से विष निकलता है सांप के। ठीक, तो इसका राइट आंसर जंभीका दंत होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, मैं अपने से नहीं बनाया हूँ, आप 2014 का पेपर देख सकते हैं। परमाणु ऊर्जा में हम देखिए कह रहे हैं नेक्स्ट कि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन थे परमाणु ऊर्जा के, तो वो थे होमी जहांगीर भाभा, HJ भाभा। ठीक, ये भारतीय वैज्ञानिक भी है, भारतीय कार्यक्रम का ये जनक भी थे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के, परमाणु बम खोज मतलब जो भारत में हुआ इनके माध्यम से हुआ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। किस भारतीय राज्य में कलाकार नहीं है, ये जो है कालाजार है, कालाजार बीमारी काफ़ी फैला हुआ है, कालाजार तो ये फैला था बिहार में। कहाँ फैला था, बिहार में, उसको चिमकी बुखार भी कहते हैं। ठीक, 2014 में फैला था, तो उसी पेपर में छपा है, तो मैं इसी को करा दिया हूँ। चलिए, हालांकि इसको अब पूछने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, सार्क दक्षेस संगठन शुरू करने का उद्देश्य क्या था, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, सैनिक संधि, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान, क्षेत्रीय सहयोग। तो देखिए, क्षेत्रीय सहयोग के लिए सार्क की स्थापना की गई थी 1985 में। कब की गई थी, 1985 में। और 8 देश जो मिले थे, 8 देशों का ये संगठन है, इसमें है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, लास्ट में अफगानिस्तान, इसका 8वां सदस्य बना है 2007 में। ठीक, तो इस तरह से पूछा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय सहयोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पंचशील का मुख्य विशेषता है, पंचशील का मुख्य विशेषता क्या है भाई, निर्गुणता, आर्थिक सहयोग एवं विकास, संस्कृत संबंधी का विकास, देश के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व, देश के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व का जो है
बनाए रखना ही पंचशील समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, अरे पाकिस्तान का सॉरी पाकिस्तान कह रहा हूँ चीन के प्रधानमंत्री जो थे कौन थे? चीन के प्रधानमंत्री थे आपके एल करके नाम है उनका, चाउ एन लाई थे। ठीक, 29 अप्रैल 1954 को ये अपने बैठक में ये लोग अपना बनाए थे कि देश के मध्य मित्रता रहेगा, शांतिपूर्ण अस्तित्व बनाए रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बछेंद्री पाल किस क्षेत्र से एक सुपरिचित नाम है? खेलकूद में, संगीत में, कि नृत्य में, पर्वतारोहण में? तो दोस्तों आप जानते होंगे फर्स्ट माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला जो हैं वो बछेंद्री पाल हैं, जो कि पर्वतारोहण से संबंध है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। कब दिया था? जब भारत के पास गेहूं की दिक्कत हुई थी, जब अमेरिका ने गेहूं देने से मना कर दिया था, जब 1965 की बात है, जब बांग्लादेश का विभाजन की भारत पाकिस्तान से बांग्लादेश को निकाला गया था, तो भारत के पास गेहूं नहीं था। ठीक, तो एक भारत ने अमेरिका से अपना प्रस्ताव रखा था गेहूं के लिए, तो उसने मना कर दिया, तभी जय जवान जय किसान की नारा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, तो हम उनको सैल्यूट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस टाइम पे थे विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। ठीक, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, इंडिया विंग्स फ्रीडम का पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, कि सरोजिनी नायडू है, कि नयनतारा सहगल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम जो आज़ाद हैं, इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। और जवाहरलाल नेहरू ने कौन कौन सी किताब लिखी वो बता देते हैं आपको। तो जवाहरलाल नेहरू जी की किताबें जो हैं वो हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू जी की बुक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, नोट्स के लिए ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप 9721085।